असलम वरहतुल्ला कुछ ही देर में हमारा प्रोग्राम बाकायदगी संग शुरू हो रो है uh, थोड़ा जो इंतज़ार मेहमानों ना uh, हम दावत दे रहे हैं uh, अब्दुल हमीद कसाना साहब uh, uh, तमाम ऊपर स्पीकर पैनल में रहे हैं तब ऊपर आ जाओ uh, इसके अलावा uh, मोहतरमा uh, जिया साहिबा uh, मिसिज हैं गुलाम हुसैन जिया साहब साहब की तो उन उनकी मैं गुजारिश है कि मैं स्पीकर पैनल में आ जाएँ एजाजन मारे नाल तशरीफ रखेंगी और तम भी जी अपनी गलबात रखेंगी जिया साहब के बारे इस अलावा बहुत सारी शख्सियात माने नाल जुड़ रही हैं बहुत जल्द प्रोग्राम को आगाज़ कराँगा और अब्दुल हमीद किसाना साहब थारा तो गुजारिश करा कि तम नाम ने इन्वाइट हो रही हो तम उस... ज्वाइन स्पीकर का पैनल पर क्लिक कर गया तो हम ऊपर स्पीकर पैनल में आ जाओ uh, बाक़ायदगी संग कुछ ही देर में मा हमारा प्रोग्राम uh, शुरू होगा जी नसीम बाजी तुम प्रोग्राम को बाकायदगी संग आ, आगाज करो और महतरमा जिया आ, साहिबा गुज़ारिश है कि स्पीकर में स्पीकर पैनल में आ जाएं। आप आप हमारे साथ एजाजन शामिल रहेंगे ये नसीम बाजी आप शुरू करें प्रोग्राम और मैं बताता चलूं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये रहता है कि हम इब्तदा के शुरू में हम जो है आगाज़ करते हैं उसके बाद जो है एक एक जितने भी जो है मेहमान मुकर होते हैं उनको बुलाते हैं तो मोहतरमा ज़िया साहिबा से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ बने रहें और स्पीकर पैनल में यहाँ एक ऑप्शन है माइक अनम्यूट करने का तो वहाँ आप अनम्यूट रखें जब तक आपको भी हम मौका देंगे जरूर बात करने का जी नसीम जी आप आगाज करें प्रोग्राम का जी नसीम जी आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है

तारिक भाई मेरी तरफ गालिबन कोई ग्लिच है को शायद सारा नहीं दिख रहा क्या हमारा मेहमान मारे नाल शामिल हो चुके हैं मेरा अब्दुल हमीद हैंदाना साहब स्पीकर पैनल माए मोहतरमा जिया साहिबा भी तशरीफ रखे हैं मैं दोबारा इनवाइट कर रही हूँ किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह नाल ऑडियंस में दोबारा इनवाइट भेज रही हूँ जी मैडम जी आप ऊपर आ, आ जाए स्पीकर पैनल में और उसके बाद हम प्रोग्राम बायदगी से शुरू करते हैं जी जी हमारे साथ जिया साहिबा भी हैं और सिद्रा ज़िया साहिबा भी हमारे साथ हैं सिद्रा हम आपको भी इनवाइट भेज रहे हैं आप प्लीज़ पैनल में आएँ और हमारे साथ यहाँ पे तशीफ रखें सामीन माजरत थोड़ा इंतजार करना पे गो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मेहमान हस्ती हमारे नाम जुड़ जाएं और उसके बाद हम इनशाला प्रोग्राम शुरू करा बाबा तरीका कार के नाल। और थोड़ो जो इंतज़ार बस उसके बाद इनशाला प्रोग्राम की शुरुआत होगी मुहतरम जावेद राही साहब भी हमारे नाल हैं हमने इनवाइट भेजो है सर तुम प्लीज पैनल में आ जाओ जी आगाज़ करो जी जी हमारे कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं और कुछ जुड़ चुके हैं तो अल्लामकुम वरहमतल व्रकू नसीम अख्तर थ मेजबान तारीक ऑफिशियल क्लब चैनल की तरफों सोच विचार प्रोग्राम में शामिल तमाम सामाइन नाजरेन और मेहमान शख्सियताना दिल की डूंगाई संगजी क्यों जिसरा जी तम जाने के हम पिछला पंद्रह महीना थे सोच विचार गोजी प्रोग्राम का सिलसिला के तहत गुजर बकरवाल कौम का मसला गुजर कौम की तहजीब विकाफत की सामभ संभाल गोजरी जबान की तरक्की बारे सोच विचार कर वास्ते बख शख्सियताना दावत देता आ रहा सोच विचार गोजी प्रोग्राम के तहत हमने कुछ महीना पहला गुजर कौम का अजीम बुजुर्गाना खिराज अकीदत पेश करने को सिलसिला शुरू किया तो जिसके तहत हमने वजीर मोहम्मद हकला मरहूम हाजी बुलंद खान मरहूम चौधरी गुलजार खटाना मरहूम गुलाम रसूल असगर मरहूम और अमीन कमर मरहूम होराना खिराज अकीदत पेश किए आज इसी सिलसिला की चेमी किस किसले गए हम हाजिर हां और आज हम जम्मू संघ तालुक रखना ली एक ऐसी शख्सियत नादत पेश करांगा जेड़ा करा जुजर कौमगा पड़म बड़ा कॉस्टर और मुहब्बे गुजरी था मरी मुराद मरहूम गुलाम हुसैन जिया साहब और संघ है जिया साहब और दिल कोम गोदर थो तना ने गोजी कौम गो तोजरी जुबान की तरक्की माम बनक तो रोल है और हम सारा को फर्ज़ है जे गुजर कौम की मायानाश ना खिराज अकीदत पेश करा इसी सिलसिला में हमने मरहूम गुलाम हुसैन जिया साहेब और शख्सियत खिदमात ना याद करा वास जिन मेहमान ना दावत दी है उन मन्या परम ब्रॉडकास्टर मुंशी खान साहब नामवर गुजर स्कॉलर तिखारी डॉक्टर जावेद राही साहब नामवर ब्रॉडकास्टर लिखाड़ी हसन परवाज साहब नामवर ब्रॉडकास्टर और लिखाड़ी अब्दुल हमीद कसाना साहब नामवर ब्रॉडकास्टर ए के सहराब साहब और मन्या पर मन्या अनाउंसर रफाकत चौधरी साहब और शामिल हैं मैं अपनी पूरी टीम की तरफों तमाम मोजन मेहमान शख्सियत आना दिल की ढूंगाई संग जिया है ना क्यों और उनके ना ली अपना सामीन व नाजरीन नाम भी खुश आमदीद करता इल्तमास करूँ कि अगर इस वक्त तक तमने तारीख बरार ऑफिशियल क्लब ना फॉलो नहीं किया है तम ता फॉलो कर लियो ते आता प्रोग्राम आएंगे नोटिफिकेशन हड़ा थोड़ी तो टोड़नी आसान हो जाएंगी और इसके ना ही टीम मम्बरान हमारी मेहमान हस्तियाँ और एक दूसरा नाम भी ज़रूर फॉलो कर लियो क्यों इसको नुकसान कोई नहीं मगर मजीद प्रोग्राम जो भी क्लब हो पर मुनक़द होएगा थारी रीच में आ जाएगा थारी पहुँच में आ जाएगा जी और इसके बाद मैं तारीख इब्र साहब के हमारा क्लब का बानी है उन्होंने इलतमास करूंगी कि वे मरहूम गुलाम हुसैन जिया साहब हो आंगा बारा माँ थोड़ी इंट्रोडक्शन पेश करें ताजे ज़ेड़ा लोग नवा है या ज़ेड़ा लोग इस कौम ताल्लुक नहीं रखता और हमारी पैनल मां सामीन मां मौजूद है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ इनके बारे में पता लगे। जी तारिक साहब बहुत-बहुत शुक्रिया नसीम बाजी गुलाम हुसैन ज़िया साहब जड़ा है लगभग सारा ही लोग जाने लेकिन मारो मकसद होया कि नौजवान नस्ल तक जेडो शख्सियत को जेडो तारफ करवाया जाए तो इस सिलसिले में मैं मुख्तसर जो दो मिनट को तारफ पेश करूंगा तम दसेंगे मेरी आवाज आ रही है जी बिल्कुल आ रही है जी ग़ुलाम हुसैन जिया साहब को ताल्लुक जम्मू का रायपुर खैरी ग्राम संघ थो वे गोजरी का मन्या पड़वन्या ब्रॉडकास्टर सबक सबका डायरेक्टर रेडियो कश्मीर श्रीनगर था अपना आबाई ग्राम खैरी माँ ही पलिया सत्तर का दहाका माँ इन रेडियो कश्मीर जम्मू माँ प्रोड्यूसर की हैसियत संघ तैनाती हासिल की जिया साहब पहला गुजर कबीला का फर था जेड़ा पहली बार इस अहदा पर फायज़ होया था उन्हें रेडियाई लहर ते गोजरी जुबान ने एक ऐसी जिद्दत बख्शी जो गोजरी जबान ना भी तस्लीम करन कोई ना कर कोई इनकार न कर सको तमने उच्चा कद का फनकारा ते गरी गीत गोजरी गीत गवाया ते रेडियो की लाइब्रेरी में महफूज करान में अपनों बनको तो रोल अदा करो जिया साहब की वजह ते कैलाश मेरा ते ले गए सैगल तक जैसा अजीम गायकों की आवाज ने गोजरी ज़बान ज़बान ना चार चन लाया उनने गोजरी का लोग लोड लोड भीड़ सामने आने गुलाम हुसैन मरासी गोजरी लोग गीतां का बादशाह बोझ भी जिया साहब की दिल लगिया को नतीजों है मेरा मीरे गोजरी अः मिया मोहम्मद इसराइल असर ते ले गए खुदाबक और नून पुनछी ते ले ਮਹਿਰੂਦੀਨ ਕਮਰ ਤੱਕ ਕਾ ਕਾਫਲਾ ਕੀ ਗੋਜੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਰੇਡੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਤਾਰਫ ਕਰਵਾਣ ਕੋ ਸਿਲੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੇ ਹੀ ਜਾਏ ਵੇ 2008 ਮਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਬਕ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਥੋੜੀ ਗੋਜਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮਰਹੂਮ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਕ ਬਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਓ ਗਿਓ ਹੈ गोजरी अखबार रुदादे कौम का खसूसी जिया नंबर माओ ना रहबरे गोजरी को लकब दतोग्य उनकी खिदमतान की नज़र मरहूम इसराइल असर गोजो शेर के हो गयो तिना अज भी डीकै बहारा की दुनिया तला मालिया को हसारा की दुनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब तो सामीन तमने पतो है कि आज हम गुलाम हुसैन जया मरहूम हो रहा ना खराजे अकीदत पेश कर रहे हैं और उनकी शख्सियत का हर पहलू नाम कोशिश करांगा के उजागर करांगा और उनके बारे गल बात कर अपनी खराजे तहसीन पेश करेंगा अपनी मोहब्बत को सबूत देंगा तो सामीन मजीद तखिर ना करता हमारे नाल एक बहुत ही मोज हस्ती जावेद राही साहब मौजूद हैं और गलिबन जावेद राही साहब बहुत मसरूफ रहे और हमने यो भी पता है कि उन्होंने गल बात अपनी रख के फॉर तो सब हम इल्तमास करा जनाब डॉक्टर जावेद राही साहब और आना कि वे अपनी गलबात रखें वे उनके बारे में कुछ सुनाए जी डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज नहीं आ रही या प्रॉब्लम है अगली चाहे और तब अगर लीव करके ज्वाइन करेंगे तो आवाज आवेगी रफाकत साहब हमारे जुड़े हैं है रफाकत सर थारे तब मैं इनवाइट भेज रहा तब स्पीकर पैनल में आ जाओ रफाकत सर शुक्रिया नसीम हाँ शुक्रिया नसीम मैडम बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने वास्ते हूँ शुक्रगुजार हाँ तारक इब्रार पेज को क्लब हाउस में जिन्हों ने यो प्रोग्राम आर्गनाइज कियो, एक बड़ा ब्रॉडकास्टर एक नहायती बड़ी शख्सियत गुलाम हुसैन जिया साहब ना खिराज अकीदत पेश करें इत पैनल में मौजूद मैडम निगत चौधरी साहिबा अब्दुल हमिद कसाना साहब रचिश्ता साहिबा और शाजिया जी और सिद्रा जी जी, जी इसमें मौजूद थी अ, इस तू अलावा राणा इबरार साहब हैं और बड़ी शख्सियतें इश्तियाक मुश्फा साहब भी बैठे हुए हैं कलसूम मैडम भी बैठी हुई हैं मैडम भी बैठी हुई हैं मजरूस साहब भी बैठा है और जितना भी लोग हैं मतलब काबिल इज्जत है मेरा वास्तव सारा ही रफाकत भाई भी बैठा है कुछ ना कुछ ना वो मतलब चेहरों पछाणूँ तो हम अदो अदो ना आवे इसके तो सब तो पहले था हूँ यु शुक्रिया अदा करता वहां आगे बढ़ना चाहूँगा कि चौधरी गुलाम सिंह जिया साहब ना मैं कश्मीर में जिसलै मेरी उन्नीस सौ चौनानवे माँ नौकरी का सिलसिला कश्मीर मो उनका उनके वाकफियत तो हुई वे रेडियो के ऊपर उस कमर्शियल मां भी था पहला मेन माँ था फिर कमर्शल माँ चले गया अः फिर वे डायरेक्टर बनिया रेडियो कश्मीर श्रीनगर का <coughs> काफ़ी अर्सा उ काम किया फिर दूरदर्शन पर चले गया और इन सारा साल फिर रिटायर हो गया फिर जम्मू आ गया इस सारा प्रोसेस के अंदर आ, मेरी उन्होंने काफ़ी सारी मुलाकात होती रही और सब तो बड़ी गल थी कि एक उन्होंने अंदर ना एक अपनी कौम कबीला वास्ते बड़ी हमदर्दी दिली हमदर्दी मतलब कोई भी बच्चों अगर सिलेक्ट हुआ तो आई ए एस मैथ या किसी भी बड़ी सर्विसेज में जाए तो या कोई भी कामयाबी हासिल करा तो, तो उन्होंने एक ही काम है कि उन्होंने बिना फ़ोन करना भाई इसको नंबर कर दौ कि वो गल करना चाहूँ उसना हौसला देना चाहूँ मुबारकबाद देना चाहूँ तो यो बड़ो घट्ट वह के लोगों की खुशी में खुश होना और इतनी प्यारी शख्सियत इतनी आ, मतलब पुर तपाक और इतनी गर्म उन्होंने मुहब्बत थी प्यार थो कि जो उन्होंने नज़दीक रहे वही जान सकें कि गुलाम सिंह जिया कितनी बड़ी जो शख्सियत था और खुद उनके अंदर कितनी काबिलियत थी शराफत थी और इस काबिलियत और शराफत को एक मतलब मम्बो था वे और बात करना और कॉन्फिडेंस लेवल भी उन्होंने काफ़ी हाई थो मैं उन्होंने बड़ा कश्मीर जिस रेडियो श्रीनगर है उसे भी बड़ी पॉलिटिक्स बड़ो सारो बड़ा बड़ा लोग उसमें बैठा रहा और उन्होंने देखो कि भाई उसके दौरान गुलाम जिया साहब जड़े जो उतरिया फिर ये किस मतलब तो क्योंकि रेडियो का मुलाजिम था तो कुछ अरसा वास्तवें इन्हों कोई बंदूक बरदारा ने अगवा कर लियो और काफ़ी टराय शराय उसकी उसी कहानी उन्होंने को आम सुनता रहा था कि काफ़ी टाइम उन्होंने ना हेल्ड अप रखियो और फिर उस बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल तो बाद जो उन्होंने रिलीज़ की गयो और फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जड़ी है वह इस रेडियो के वास्तव सर्फ की बहुत जिसका तारे की बरार भाई ने दस कि बहुत सारा लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया होना भी इंट्रोड्यूस कराने मां जिया साहब को रोल है जिया साहब मैं कुछ अरसा रेडियो कश्मीर श्रीनगर तू खबर भी पढ़ी और एक दिन वो खबर पढ़ रहे तो फिर इन्होंने मेरा वापस फोन करके आ कि ना बहुत अच्छो यार बड़ो बेहतरीन पढ़ गए मैं क्यों मैं क्यों जनाब हो गए जो थोड़ा बहुत सीखे हुआ जम्मू में तो वो ही पढ़े तो मैं देखियो कि उन्होंने बहुत ज्यादा ना मतलब अपनी जुबान अपना कल्चर अपना लोगों के नाल मुहबत प्यार अः और उन्होंने अंदर जड़ी एक शराफत थी उसकी कोई मिसाल नहीं है कि वे कितना मतलब शरीफ था सादा लो था एक आम दरवेशाना जिंदगी गुजारे था कुछ ज़्यादा मैं उन्होंने देखो कि बहुत उच्चा उच्च उदा का उपर रहा लेकिन जमीन के न जुड़िया रहा हमेशा ना उन्होंने उन्होंने पिछे एक एक जो मतलब जमीन के ना उन्हों जुड़ाव उन जो है वो बने रहे हो और अपना लोगों के नाल अपनी अपना कबीला के नाल अपना और गोजरी प्रोग्राम खास तौर के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रहा इत के बज रहे हो नवो चल रो है कि उसके बिच बोलियों जा रो है फिर यो है कि जम्मू को बंदो श्रीनगर माँ इतना साल और इतनी टफ टाइम माँ गुजार गया है वो भी बड़ी जी उन्होंने जिंदगी की एक बड़ी समझ लो आजमाइश तो गुजरे हैं वे कश्मीर मान जित हर न, मतलब इस ब्रॉडकास्टिंग जुड़ गया जिस तरह के मना कर दे तो गए तो कुछ बंदूक बरदारा की तरफों उसके बावजूद वे उतरिया और उन्होंने इतनी बड़ी न, मतलब कंट्रीब्यूशन की जिन्होंने लोगों को ना लियो इन्होंने जिस तरह के खास तौर के ऊपर मोमन सिर मरासी का जरा गीत तो उन्होंने वजह तो रिकॉर्ड होया और फिर भी और भी ज़रा कश्मीर का पहाड़ी इलाका व पिछा पिछा जो लोग रे लगाओ बसें लगावा लिया ना, ना रिकॉर्ड करना फिर सारी शख्सियत नाम मगर किसी भी गुजर शख्सियत की तुम देखेंगे तो हम देखें उसका नाम जी महफल हुई है उसमें जिया साहब मौजूद था और जिया साहब ने भी कुछ सवाल जड़ाए किए और ओवरऑल मतलब बेहतरीन शख्सियत थी हालांकि वे ट्रैक्स लगा था फिर पैक्स लगा था फिर उस तो बाद ए एस डी बने फिर डायरेक्टर बनया फिर उस तो पर रहा दूरदर्शन जैसी जगह का रहा कि जित मतलब काफ़ी विस्तार है काफ़ी बड़े बड़ो बड़ा लेवल का ऊपर कम है तो समझूंगा उन्होंने सारी जिंदगी जोड़ी है ना माड़ा लोगों वास्त एक एक तरह को उन्ह मशे राह समझो उन्होंने एक ऐसा कारवान गा कि माड़ा लोगों को जो ठंडियाई माड़ा लोगों में मा थोड़ा नरम तबीयत का है सादा है बड़ा ही पुरवकार है वह सारी चीज जी जिया साहब के अंदर थी ईमानदार डाउन टू अर्थ अल्लाह तला ना टुरन आला नाल हर आदमी न बड़ो पुरतपाक तरीके न मिलने वाला हर आदमी जो उस ना उस आदमी मोहब्बत हो जाती प्यार हो जाती हमने काफ़ी टाइम उन्होंने नाल हो और काफ़ी उन्होंने शफकत जी मेरे मिली आ, गप शप ये वो बैठनो उठनो गप गल गप मतलब लास्ट मेरी मुलाकात तो उन्होंने रेडियो के ऊपर हुई कि आयो रेडियो पर ये कोई उन दिन गोजरी प्रोग्राम जम्मू नाल भी जुड़िया हुआ था तो मुलाकात हुई बहुत सारी गल हुई फिर उस आ आवाज़ ना अचानक कि कोई खल रोज़ा का ध्याा था तो उसके बीच वो आवाज़ मतलब चली गई और अचानक उन्हों को सुन लो मतलब वे चले जाएँ बड़ो ही अफसोसनाक हो और एक बड़ा शफीक इंसान था और बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है उस ना समेटे नहीं बहुत सारा लोग और गल करेगा वो अपनी तरफ उन्होंने अखराजे की इदत पेश करूँ कि चौधरी गुलाम हुसैन जिया कौमें हमारे बिच मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने

बेशक वे बहुत शफीक इंसान था और बहुत कट लोग इतना खुश गुफ्तार खुश अखलाक और इतनी खूबसूरत उनकी पूरी शख्सियत थी कि जिसकी वाकई मिसाल मिलना बड़ा मुश्किल है बहुत शुक्रिया सर तमने बहुत अच्छी गल बात हमने सुनाई उनका बारह जिरी शायद सारा ना नहीं पतो थी बहुत शुक्रिया तो सामिन एक बार फिर मैं तम ना खुश आमदेद करूँ और अपनी मेहमान हसिया नाम भी कुछ आमदी करूँ टीम मेंबर भी मेरा नाल कुछ जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ रहे हैं, आ, बहुत शुक्रिया और हमारे नाल एक बहुत ही मोज हस्ती आ, जनाब रफाकत चौधरी साहब मौजूद हैं तो आ, यकीनन सर थारे भी बड़ी याद व्यवस्था होनी है गुलाम हुसैन जिया साहब और और हूँ तमने दरख्वास्त करूँगी कि तम भी अपनी याद आना सांझी करे मारे नाल और उनके बारे में हमने कुछ सुनाए जी रफाक चौधरी साहब जी रफाकत चौधरी साहब सर थारी माइक जी वह म्यूट है या राइट साइड में बॉटम में तम देखेंगा जी जी जी, जी. जी जी बहुत शुक्रिया खुश आमदीद सर हाँ और सब तो पहला तमने मुबारक है कि तमने इतनी बड़ी शख्सियत का बारा आज जो प्रोग्राम आ, कियो है और उन्होंने याद कियो जिया साहब की कदी गल करूँ तो समाज का बाकी तबका आ मारा गुजर बकरवाल कबीला में भी हर जमाना में ऐसी शख्सियत आई है जिन्हें अपना अपना दौर में अपनी मेहनत न अपनी सलाहियत अपना उच्चा सुचा तो सुथरा कर किरदार के और समाज में फैलिया व कोथरेमां न तो हर मुमकिन कोशिश की है और ऐसी शख्सियात मां चौधरी गुलाम हुसैन जिया साहब की शख्सियत भी शामिल है खुशनसीबा माँ शामिल हूँ ज मच उन्नीस सौ नब्बे दो मेरा ख्याल माँ अगर दो तक गिणू दे कोई 28 साल गुजरे इस 28 साल में मिना जिया साहब के नाल किसी न ना किसी तरह न उनकी शागिदगी माँ उनकी सरबराही मां उनकी सरप्रस्ती मां उनकी रहनमई जोड़ी है वह हासिल रही है और हमने मुख्तलिफ पहलुओं पहलू नाल उस शख्सियत ना देखो है और जिया साहब मीना लगे कि ऐसा लोग जड़े वे सदिया माँ किसी कौम कबीला के बीच पैदा हुए और मिना देखा कुछ मौकों जो है तलब इलमी का जमाना में भी उनके नाल उनका उनशगा पर भी रहने मौको मिले हो और मैं देखियो कि बहरों जितनी हम जिया साहब की शख्सियत ना खूबसूरत शख्सियत देखता रहा कार के अंदर भी वे उतनी प्यारी शख्सियत था और घर के अंदर परिवार के नाल भी इंतहाई आला दर्जा को हुस्न सलूक करें था और उनमें यह खूबी थी कि वे मारा उन कुछ एक शख्सियात में शामिल था कि जो बच्चियों तो बच्चों तो ज़्यादा बच्चियां के नाल प्यार करें था और अपनी तमाम औलाद ना अच्छी तालीम दवाई और फिर मैं देखियो कि वे कार का मामला बड़ा काट मुदाखलत करें था और कदे भी उनका चेहरा पर मैं खफ की जिड़की देखी एक शफीक बाप जितनी भी खूबी थी और घरेलू मामला में दखल न देनो ये सारी खूबी उनमें मौजूद थी बल्कि अपनी कारगी जड़ी जिम्मेवारी थी वे अहलिया के सुपुर्द की हुई थी और डिप्टी का बहुत पाबंद था ज्यादा वक्त अखबार रसाला जोड़ा उस वक्त का था उनका रही था इंतहाई सफाई पसंद खुश लिबास था आपने सारी जिंदगी नशरियाती अदार के ज़रिए जुबान अदब की खिदमत की समाजी बेदारी को काम किया जिया साहब ज़ाहिर दुनिया त चले गया लेकिन वे मारा दिलन के बिच हमेशा वास्ते मौजूद है आ, सब तो बड़ी खूबी जी कई महफिला माँ उनकी जी वाह दस तो रहे वही के वे आ, बड़ा ही एकता है खूबसूरत आदमी था और खुश लिबास था मैं गुजर बकरवाल बरादरी के बिच ऐसो खुश लिबास आदमी कदे कोई नहीं रहे हो तम किसी भी मौसम में उसने देख लियो किसी भी हालात में किसी भी जगह देख लो वे खूबसूरत लिबास मां साफ सुथरा हुए था क्लीन शेव की हुई यानी कि बाल बनाया हुआ वो इतना सफाई पसंद था कि वो लफ्जम बयान नहीं कर सकता और मुताला का इतना शौकीन था कि आ, जैसा ही वे ड्यूटी तो वापस आए था और अखबार और मुख्तलिफ जरीदा जोड़े वे आ, उनके कोड़े हुए था ये जोड़ो आज कल भी मार्केट के बिच मशहूर मैगजीन है इंडिया टुडे उस जमाने में बहुत चंद लोग ये इस तरह की चीज़ जड़ी वे पढ़ी था तो इंडिया टुडे को हर शुमारो जो जिया साहब को आए तो और वे मीना भी पढ़ने वास्ते देता रहे था फिर एक, एक बहुत सारी शख्सियात इस प्रोग्राम में और भी गल करेंगी वो किसी भी मौजू ने छे, छेड़ छेड़ गए उसना झूठो नहीं करना चाहता क्योंकि वे सारी शख्सियात जिड़ी वे उनको रेडियो ना तलक रियो है वे मेरा तो ज़्यादा खूबसूरत तरीका ना ये गल दसेंगी और दो चार चीज़ जी वे दस के अपनी गल ख़त्म करूँगा जी शायद बाकी लोग शायद उस पास ना जाए क्योंकि वे जाती हैसियत की भी हो सके एक तो जिया साहब की शख्सियत पर जो कोई आगे जा के लिखा मैंने लगे कि उसने ये रिसर्च कर लेनी चाहिए कि ये आदमी जरा था वे घरेलू जिंदगी माँ और आम हालात माँ किस तरह की शख्सियत था इसकी एक मसाल यह है कि आपका जोड़ा बरदर इनला था डॉक्टर ज़ाकर साहब उनकी जिस कड़ी शादी हुई तो रेडियो कॉलोनी माँ ज़िया साहब और था उन्होंने वो सारो इंतज़ाम किया तो वाको यो है कि वो भी उतने ज़िया साहब के कोड़े रहूँ तो जिस दिन वह शादी थी आ, वाजवान गई वी वा तैयारी करे वे वाजा तैयारी वो जो सेट तो उसके बाद वे अः मास वगैरा रिश्ता या जो भी वे डिश तैयार करता रहा जिस तरह कश्मीर के बीच एक मामूल है कि रात वाजा जड़े वो अपनों काम निपटा गया वो समान टाक के दे। वे चली जाए किसी कमरा में आराम करने वास्ते उस घर के बच्चे क्योंकि ऊंट जियासा भी था बाकी बच्ची थी अः जिया साहब ने मैंने क्यों तू के कम करिए कि इसकी राखी करिए रात जोड़ो सामान है वाजा को और उस कॉलनी के बिच ये आवारा कुत्ता बहुत वहीं था और उनकी वजह से बड़ी परेशानी हुई थी तो मैं क्यों ठीक है सर हूँ देखते रहूँगो और तब आराम फरमाओ हूँ बार एक जगह क्योंकि गर्मियों का दिन था ये कुछ देर देखते रहे हो और मैंने पता ही नहीं चले हो कि कद मैंने नींद आ गई हूँ सो गयो सरगी ने जिस कड़ी मैंने जाग लगी हूँ एकदम बदरेक के उठ्यो कि ओह, ओह, ओह हो पता नहीं यो कुत्ता ने क्या कर चुड़ियो मैं देखे तो जिया साहब ने एक कुर्सी एक लई लाइट बड़े लगी वरांडा में और सारी रात भी जागता रहा ऊ नहीं जगायो कि इसकी नींद खराब हो जाएगी और खुद राखी करता रहा इसी तरह एक दफा यो डलगेट सोनवार के पीछे या जी पहाड़ी है शंकर आचार्य ए एक रेडियो को या टीवी को टावर थो शौराब साहब या कसाना साहब मैंने दुरुस्त कर सके इसमें वो तो एक दफ़ा किसी वजह तो उसके बुना जड़ा है कुछ एक बिल्डिंग है वो तो लग गई और मैंने याद है कि उस ज़माना मोबाइल मुब, फ़ोन नहीं हुए था लैंडलाइन फोन हुए था जिया साहब के लैंडलाइन फोन तो वे उस कड़ी असिस्टेंट डायरेक्टर था रेडियो में तो सारी रात फोन करके मुख्तलिफ एजेंसियां ना या कंट्रोल रूम के नाबतों करता रहा अरे या आग जड़ी है या जल्दी बूझनी चाहिए या कितने जा जाए ये मारो टीवी रेडियो को जो टावर ही उन तोड़ी ना पहुंचाए यानी कि एक आदमी जो है वो ड्यूटी का दिहाड़ी की ड्यूटी के बाद रात भी उसने कितनों ध्यान है अपना काम दर किस कदर वे उसको ख्याल रखे इसी तरीका के न एक और वाको है कि ये जड़ी खबर थी आजकल जड़ी रेडियो तो नशर होए ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर दो गोजरी खबरें को बुलटन पाँच बज के पाँ मिनट पर दस मिनट को यो एक जब शुरू हुआ तो फिर नब्बे में हालात खराब हुआ थे वापस ले गया आ, ये कश्मीरी की न्यूज उर्दू की न्यूज गोजरी न्यूज बुलेटिन तो बाकी जी न्यूज बुलेटिन था वे आ, कुछ साल बाद कोई छियानवे सतानवे में वापस आ गया गोजरी न्यूज बुलटन जोड़ यो वापस नहीं आने हो और यो लगातार जम्मू इन तो रिले होते रहे हो <laughs> तो के काम है कि एक की अक्सरियत की जोड़ी राय है वह हमेशा के काम करता रहें कि ना इस कबीला का लोकाना या इसकी सिकीमाना दबा के रखें तो बराबर यही गाल हुई कि वे नहीं चाहे था कि ये खबर जड़ी है दोबारा आए और गोरमेंट को एक अमलों और फंड इस्तेमाल हुआ है जिया साहब ने मैंने याद है कि इतनी महारत के नाल इतना खूबसूरत तरीका के नो गोजरी बुलटन जोड़ा है जो दोबारा आने वो वे आ... डीजी न्यूज जड़ा था अ वे आके इत चश्मशाही के बीच गेस्ट हाउस में रुके हुआ था तो वे शाम ने देर ना जिया साहब वो तशरीफ ले गया अः खुद जिया साहब ने यह गल गलबात मामला सुनाई थी ते जिस कड़ी कोई नहीं थो तो उस कड़ी उन्होंने कोई तोहफो वगैरह पेश किया हो कि जनाब तुम वापस दिल्ली जाएगा तो यो हमारी तरफ तोहफा है तो वे खुश होया अफसर डी जी तो उन्होंने किया थारो कोई कम मत है जनाब और तो कोई काम नहीं तो हमारी की खबर थी वो, दे वो वापस नहीं आयो बाकी सब कोई है तो कि तुम कर सके तो जिया साहब ने क्यों बिल्कुल कर सका तो जनाब अली जिया साहब ने वापस के शाम ही ना शायद कसाना साहब ने ज्वाइन किए ये गवाह है कि कसाना साहब ना रो कहो और अगले दिन दो नौजवान तैयार किया एक लड़की एक लड़को गोजरी न्यूज़ पढ़ने वास्ते और ठीक दो नवंबर 2000 का शाम पाँच बज के पेंट पर वे डीजी न्यूज ने या उस कड़ी का जोड़ा वे अफसर था उन्होंने जिया साहब स्टूडियो में मौजूद था उसकी फोटोग्राफी हुई और वह न्यूज जीडी है दोबारा शुरू कराई और आज थोड़ी वह चले लगी उसमें बहुत सारा लोग जो रोजगार भी मिले हुए है इस तरीका के नाल जिस कड़ी आपकी पहली ट्रांसफर हुई थी शायद दो हजार आठ रिटायर हो गया था दो हजार लगभग सात के बीचों तो वो जिस कड़ी रफीक मसूदी साहब ने रेडियो में जिया साहब की ट्रांसफर को शाम ने शायद आर्डर निकले उसमें लिखिए वो थो ऑन रफीक मसूदी साहब रेडियो कश्मीर उस कड़ी आज ऑल इंडिया रेडियो है उत रेडियो कश्मीर वो तो नौ डायरेक्टर तो हम हूँ उन दिनों में न्यूज़ रीडर हूँ तो न्यूज़ रोम में तो दूजे दिन हम आया दे या हालांकि उस शाम ना ज़िया साहब को ऑर्डर जोड़ है अगली शाम वापस आ गया तो यानी कि अगली शाम ना ऑर्डर निकले और ट्रांसफ़र को जिया साहब ध्यान रेडियो नहीं आया रेडियो कॉल नहीं रहा कोई पेशी नमाज के बाद वो ऑर्डर मनसूख हो गया और जिया साहब वापस अपनी एज डायरेक्टर वापस आ गया यानी कि रिलीव नहीं होया इस दौरान जो एक दिलचस्प को यो है कि जिस तरह किसाना साहब या सुराब साहब जाने कि न्यूज़ रोम के बीच आम तौर काम जुड़े वो दो बजे के बाद शुरू हुए कापिस्ट आ जाए न्यूज़ रीडर आ जाए एडिटर आ जाए तो एक वो सिलसिला शुरू हुआ कि शाम ना ये न्यूज़ आने लगी इनकी ट्रांसलेशन कर गया तो वो बुलटन बनाना हो तो पढ़ना हम जैसा ही जमा हो गया तो अब्दुल्लाज फ़राज साहब हो रहा फराद साहब ने फ़ोन कियो, लैंडलाइन फ़ोन तो कियो ज़िया साहब ना कि ज़िया साहब क्या हाल चाल है ये, अब आपने क्या ये प्रोग्राम बनाया है कब आप जा रहे जया साहब ने क्यों अच्छा इतना अच्छा बच्चा चंगो के सोचो हूँ तारी ट्रांसफर हो गई है जानो आखिर जी सोचन लगा कोई वो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है तो साहब ने क्यों देखो जया साहब तमने पूरी जिंदगी रेडियो में ला छुड़ी हूं तम तोरे हो देखो तमने कोई मकान भी नहीं बनायो तो नाल का जो रेडियो में डायरेक्टर रहे उनकी देखो कितनी बड़ी बड़ी हवेलियों आज भी बच्चा कितरेंगा किस राज्य इनका स्कूल है इनकी तालीम है बाकी चीज़ें तो हालांकि उसे शाम ना वो आर्डर वापस आ गया को मतलब कि जिया साहब ने दिल जीतिया इंसान कमाया पैसा नहीं कमाया बिल्कुल नहीं कमाया और जो आयो वो खैरत कियो और अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी लेकिन वो दौलत जमा करने की कोशिश नहीं की इसी तरीका के नाल जिया साहब जिस कड़ी रिटायरमेंट तो बाद वापस आया तो एक दूरदर्शन वाला ने उनका में एक प्रोग्राम रखे हो और मीना यह जिम्मेदारी दी कि जिया साहब के नाल यो प्रोग्राम जो वो तमने कंड यो एज बतौर एंकर जो है वो कंडक्ट करना तो हमने काफ़ी सारा नौजवान भी बुलाया वो एक इंट्रैक्शन प्रोग्राम दो तो उस प्रोग्राम के बीच जिया साहब ने मैंने चीज़ या दसी के आ, जिस कड़ी आप चंडीगढ़ के बीच था तो कहें कि एक दिन हम चले गया उत चंडीगढ़ की लाइब्रेरी माँ तो लाइब्रेरी माँ जा गए थे मैं पुराना अखबार ढूँढना शुरू किया इस तमना उनकी मुताल की और उसकी तारीख़ पर कितनी उनकी नज़र थी और कितनी दिलचस्पी थी अपनी कौम का ना चीज़ ढूँढण की उसको अंदाज़ा बैगो तो फरमान लगा कि वो टूँडता टूँटता उत्तर प्रदेश को एक इतने मैंने ना नहीं याद रहे हो मैं उस अपना मकाला के बीच वो शामिल किया है वो ना उस एडिटर को तो अखबार को क्यों लोगों मीना वो अखबार मेरे हाथ आ गए हो तो जब मैं वो पढ़ना शुरू किया तो मीना उसमें नजर आयो कि 1900 लगभग अठवंजा को वो शुमारो है 1958 માં આજી ઇઝરાયલ કો બિયાન ઉસકે પે છપે ہوئے جسમાં આજી ઇઝરાયલ ઉસ જમાના કે પે કે લગા કે યે જમ્મુ કાશ્મીર કે وچ 2-4 રેડિયો સ્ટેશન હોના જોઈએ ઓર પદરવા يا પછડયાવા લાકમ ઓમે હોના જોઈએ ઓર ઇન કે وچ ખાસ તોર પર ગોજરી પ્રોગ્રામ જેડે વે હોના જોઈએ नाल मोबाइल स्कूल भी आना चाहिए तो जिया साहब ने क्योंकि ये जी लोग हिस्ट्री लिखें या जी ये चीज़ सामने आए ये पूरी रिसर्च के नाल नहीं आती है कि एक अखबार है उसको अज धोड़ी किसी ने हवाला नहीं दिता और सत् तो बाद भी मोबाइल स्कूल किसी ने शुरू कराया एडवाइजरी बोर्ड बनया बाकी चीज़ शुरू की या प्रोग्राम जे शुरू होया लेकिन आजी ही इसराइल ने उन्नीस सौ अठवंजा के बच्चे उसको एक सबूत है उस अखबार में कि ये चीज़ जी है वे कितना दानिशवर आदमी था वे उन्होंने तो यह चीज़ जिया साहब के जरिए महारा तक पहुँची इसी तरीका के नाल जिया साहब ने हमने दस्यो कि जिस जमाना में गोजरी प्रोग्राम शुरू करना था उस जमाना के बच्चे वे जड़ा उस कड़ी अज्जे प्रसार भारती है उस कड़ी आ, आई एंड बी मिनिस्ट्री के तहत तो वे तो यो रेडियो दूरदर्शन तो उन्होंने कियो कि हम गोजरी प्रोग्राम शुरू करेंगा अगर तम पन्जा घंटा की रिकॉर्डिंग करके पहला उसकी टेप हमारे को पेश करें हमने लगेगा कि हाँ यह भी कई जुबान है इसके बीच डेली प्रोग्राम अगर हम शुरू करा तो इतनो मवाद आ सके तो जिया साहब के हम चले गया प्रोग्राम करने वास्ते शायद पहुंच के रजौरी का किसी इलाका में तो आसन प्रवास परवास इस चीज़ में मजीद दुरुस्त कर सके क्योंकि मैं धुंधली याद है ये जो वाको उन्हें सुनाया था कि किसी चंगा साहब हैसियत आदमी के कार उस जमाना में एक महफुल लगी और वो जो बंदो तो उन्होंने उनको रहन को इंतजाम भी किया तो लोगों ने सद के आने था कि इ रेडियो वाला आया हुए और रिकॉर्डिंग कराए था तो रिकॉर्डिंग करने वो को कोई भी आदमी गीत गाए तो बैस सुनाए तो या का चीज़ पढ़े तो उसको एक रुपयो देता वो जो शख्स तो थे उसने जिया साहब ने क्यों गल सुनो तम यू रुपयो ना बंडो ये मेरी बरादरी का लोग है और यो मारो गोजरी प्रोग्राम है हम इसने फ्री में करेंगे अगर तमने इस खुशी का काम पैसा बढ़ना शुरू किया यो रुपये रुपये करके पैसा थारा मुक जाएगा पंजा घंटा की रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो सकते ਲੈਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋ ਬੰਦ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇ ਕਿ ਆਮਣੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਿ ਆਮਣੇ ਵਾ ਪੰਜਾ ਘੰਟਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਬਣਾਈ ਤੋ ਫਿਰ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਉਸਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮ ਮਾਮਲਾ ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰابطਾ ਹੋਇੰਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ सी आर पी के बिच अच्छी खासी पोस्ट पर है कसाणा साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो उनके कार उन्होंने कुछ मुदत गुजारी थी और इनके ज़रिए वो फिर भर्ती भी हो वो जिस जमाना में कोशिश करे तो लगा वो जाब व एक दिन कसाणा साहब ने आ, उस लड़का को जिक्र ज़िया साहब ना कियो जिया साहब ने कियो कि वो थारो जो कंपेयर है के मेरे को रफाकत ना चलाइए मेरे को ਜਾ ਦਊਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹੋ ਲੋਕੋ ਤਮ ਚਲੇ ਜਾਈਓ ਇਤ ਸਨਤ ਨਗਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੋ ਆਰਮਿੰਗ ਉਹ ਬੜਾ ਦਫਤਰ ਹੈ ਤੇ ਯੋ ਮੇਰੋ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਆ tha ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਯੋ ਮੇਰੋ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਈਓ ਗੇਟ ਪਰ ਦਸੀਓ ਤੇ ਤਮ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਔਰ ਯੋ ਲੜਕਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹੀ ਯੋ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਇੰਦੇ ਉਸਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਰਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੋ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕੋ म क्योंकि उस जमाने का हालात ऐसा था कि हम ये वर्दी वाला आदमी ना दूर देख के डरा था आम बड़ा डरता डरता गया अंदर कौन छोड़ेगा बल्कि राय कोई मारेगा बहरहाल जिस कड़ी हम गया तो हैरान हो गया कि जैसा हम गेट पर गया तो ऊपर वो संतरी ने पूछो क्या बात है हमने जिसो उसने क्यों हमने क्यों हमने रेडियो ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर साहब ने भेजे वहाँ बस वो उसने ऊँ कित इशारों की होते दो आदमी बाहर आ गया बड़ी इज्जत के नाल आमना अंदर ले गया और अफिसर मैस के बेच ले गया ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह किसी कैंप में अंदर गया वो जाके आमना फ़ौरन मारे वास्ते चाह आ गई चाह भी तो फिर उन्होंने क्या ये जिया साहब के भेजे हुए ये गेस्ट है तो इनको साहब के पास ले जाओ तो सब गया फिर वे सर्टिफिकेट वगैरह उस लड़का की देखी बहाल इस दौरान फिर वो दूजी जगह भर्ती हो गए तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी लेकिन इस तरह कई एक नौजवान जड़े ना रोजगार का जरिया दसिया रोज़गार वाले पासे लाया और जो पहल दे रोजगार था उन्हें ऐसी स्कीम दसी कि वे उसकी भी बड़ी पोस्टिंग के पर चली गया इस तरह की हज़ार जी मिसाल है वे दी जा सके तो मीना लगे कि मैं ज़्यादा टाइम ले लियो है इतनो मीना नहीं लेना चाहिए तो जिया साहब का हवाला नाल और बहुत सारी खूबसूरत गाले मेरे को फिर किसी वक्त शुरू तारे नाल शेयर करा तो मीना लगे कि रेडियो की जड़ी ये शख्सियात एक करके अगर इन तम इना बुलाएगा ताकि एक ही आदमी क्लब हाउस में वो सारा टाइम बोले और वे सारी गल जी वो सामने रखे तो क्योंकि याद आगा खजाना है और वक्त काट है तो अं चाहूँ कि बाकी ज शख्सियात वे आ, अपने ख्यालत जिन्हें वे आ, सामने रखें आम उन्होंने सुना एक बार फिर हूं तम मुबारक दूँ कि इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत अजीम शख्सियत कमने यो प्रोग्राम रख मैन इस गल की बड़ी खुशी है जब तक हम हां और जब तक गोजरी जुबान है जिया साहब वे मारा जिंदा रहेगा हमेशा वास्ते रहेगा इसमें कोई शक नहीं बहुत बहुत शुक्रिया थारो जी बहुत बहुत शुक्रिया रफाकत चौधरी साहब तम जी अपनी याद शेयर कर रहा था जिया साहब नाल और मुख्तलिफ़ जो वाकया तमने दसिया बड़ा जो काबले फखरे है गोजरी जुबान साहब ने जो काम किया है वाकई काबिल तारीफ है मारे नाल बहुत सारी शख्सियत जुड़ी है मैं माजरत चाहूँ कि अगर किसी को ना उन तमाम शख्सियत को ना नहीं ले सकतो लेकिन ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड की एक मुअज्जज़ शख्सियत मारे नाल ऑडियंस में जुड़ी है बीबीसी वर्ल्ड उर्दू सर्विस नाल उन्होंने वो ताल्लुक रो है और उन्होंने बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर का आवाम वास्त मेरी मदद जीडी डॉक्टर नहिमा महजूर साहिब आते हैं वूमेन कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन भी रही हैं हमारी है में सुन रही हैं हमारे है फख्र ही और ब्रॉडकास्टिंग फर्ल्ड की जे गल बोत सारा ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਮ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵਿਸ ਕੋ ਇਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾ گزارਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫਾਕਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ और जिया साहब जैसी शख्सियत पर रिसर्च बनो जा इस सिलसिला तैयार करने का जरिया वास्ते रफाकत साहब की गड़ी बड़ी अहमियत रखें तें बहुत बहुत शुक्रिया सर तमने बहुत ही उम्दा और जरखेज़ ख्याल को जहारखियो मैं जो अगलो माइक देने पहले मेरे नाल जिया साहिबा की मिसिज खजिस्ता कोसर साहिबा मारे जुड़ी हैं तो उन गुजारिश करूँ कि मैं अपनों जो है क्लब हाउस या तो अपडेट करें अपडेट करें फिर लीव करके आए क्योंकि उनना का उस पर जो है स्पीकर को निशान नहीं आ रहे हो मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ लेकिन जिस टाइम हम दावत देंगे बुलावगा तो ता उस टाइम उन्होंने दिक्कत आनी है तो मोहतरमा जिया साहिबा जी ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਹੋ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਨੇ ਹੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਬਾਰਾ ਬੜਾ ਉਮਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਅਮ ਚਾਹਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਮ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ

सब हजरात ना अस्सलाम असलम करूँ और तारक अबरार साहब को शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मेरा महरूम साथी गुलाम हुसैन जया के मतलक़ अपना तारक अबरार हाउस कल पर प्रोग्राम कर गए उनकी याद ताज़ा की तारक अबरार साहब ने इस वे भी मुबारक दूँ कि वे अक्सर वक्ता फवक्ता गोजरी तो उर्दू माँ प्रोग्राम कर गए इन दुबाना की अबियारी करें नाल नाल नसीम अख्तर साहब भी अपनी नसवानी आवाज माँ बेहतरीन अंदाज न प्रोग्राम की रौनक बधाएं हाँ तो मेरा दो पहला मोहतरम डॉक्टर जावेद राय साहब ने ते रफाकत चौधरी साहब ने गुलाम हुसैन जियावार उनका कुछ खुफिया गोशा न उजागर की हो है। मेरी मरूम गुलाम हुसैन जिया साहब न इतनी लम्मी संगत रही है इतनी शायद उनका करीबी रिश्तेदार की भी नहीं हो सी उन्नीस सौ पचहत्तर दो हजार उन्नीस तक ਹੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ ਤੁਮਣਾ ਕਿ 1975 ਜਨਵਰੀ ਮਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜੰਮੂ ਜਿਸਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਗੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੈਣਾ ਮਤਲੂਬ ਹੈ ਖੁਆਸ਼ਮੰ ਨੌਜਵਾਨ ਫਲਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਣ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੂੰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਗਿਓ उत गुलाम हुसैन जिया पहली मुलाकात हुई उन्होंने रस्तों भी दस्यो तो अपना वाराव दस्यो कि हूँ डोगरी प्रोग्राम मुनसलक हूँ खैर मैं दरख्वास्त दी फिर जद भी जम्मू आऊँ तो जिया साहब न मुलाकात होती रहती उन्होंने दस्यो कि जद हूँ डोगरी प्रोग्राम में कैजुअल काम करूँ तो मेरी ख्वाहिश थी कि जम्मू तो मी गोजी प्रोग्राम शुरू होना चाहिए ਉਹ ਦਿਨੇ ਬੰਨਾਪਾਰੂ ਗੋਜਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਥੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੰਡੋ ਹੋਇਆ ਥੋ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਗੰਡਾ ਕੋ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂਰਦੀਨ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਵਜ਼ੀਰ اعظم ਹਿੰਦ

कश्मीर का गुजरन गलत जार खासकर जम्मू स्टेशन गोजरी के गोजरी प्रोग्राम के मतलब गलबात की वजीर आजम ने ब्रॉडकास्टिंग इंदर कुमार गुजराल ना, ना कार्रवाई कारवाई वास्त इस बार जम्मू एक बार जब वो वजीर आजम जम्मू आए उन्होंने गोजरी गीत ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਬਾਹਨ ਮਾ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਕਿ ਹੂੰ ਗੋਜ ਕਿ ਤੂੰ ਗੀਤ ਗੋਜਰੀ ਗਾਇਕਾਰ ਲਿਆਉ ਆਖਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰੀ ਕਸਾਣਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜਿਆ ਨੇ ਦੋਦੀ ਗੁਜਰੰਗਾ ਕੁੰਬਾ ਮਾ ਆਰਸਪੂਰਾ ਮਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਢੂੰਡ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੇਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਗਾਏ ਥੀ ਉਸਨਾ ਜੰਮੂ ਆਣੇ ਗਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕੋ ਤੁਸਨਾ ਮੌਕਾ ਪਰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਗੋ ਜੰਮੂ ਸਿਟੀ ਸ਼ਿੰਡਾਰੈਕਟਰ ਵਾ ਕਹਿ ਲਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੇ ਕਿਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉਸਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਸ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾ ਕੰਨਾਂ ਮਾਂਗਲੀ ਕਾਲਗੇ ਲੰਮੀ ਲੈਮ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਓ ਜਿਹੜੋ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ ਇਹ ਲੰਮੀ ਗਾਲੇ ਮਾਰਚ 1975 ਮਾ ਗੋਜਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਟੈਸਟ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਨਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ हुसैन ਜ਼ਿਆ ਤਤਰੇ ਐਨਾਉਂਸਰ ਚੌਧਰੀ ਮਾਮੂਦ ਰਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ हुसैन ਬਜਰਾਨ ਤੇ ਹੂੰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਕਸਾਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ हुसैन ਜ਼ਿਆ ਬੇਸ਼ੀਅਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਜੰਮੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1-2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ काम करता रहा फिर उनकी शादी मोतरमा कोसर सुल्ताना नाल हुई तदेन श्रीनगर में था फैज़ मोहम्मद कसाना ने तेरे ग़ुलाम हुसैन जिया साहब ने रजा रजाकाराना काराना तौर पर फैज़ कसाना साहब जम्मू चले गया त जिया साहब श्रीनगर स्टेशन में आ गया उसके बाद ਅਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਮ ਮਾ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਮਾ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਅਮਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਗਾਇਕਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਗਰਮੀਆਂ ਮਾ ਸੈਲਸ ਪਾਟਾ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਥਾ ਉਹਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਦਰ ਕੋਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾ ਕੋਟੀ 우ਸ਼ਾ ਸੇਠ ਕੰਬਲ ਹੰਸਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤਨਾ ਨਾਂ ਗਿਣੂ ਸ਼ਾਮਿਲ تھا ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ رابطہ ਕਰ ਗਏ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਮਾਂ ਬੁਲਾਗ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਊਲਾਮ हुसैन ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਕਮਾ ਅਮੂਰ ਸਾਰਫਿਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾ ਸਪਲਾਈ ਤਾਸੀਲ ਅਫਸਰ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਮਤਾਇਨਾਤ ਹੁਆ। ਉਹ ਤੋਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਮਾ ਆਇਆ उन्ह उन्होंने चौधरी वजीर मोहम्मद अकला सिकंदर याद तारक मोहम्मद अमीन कमर खुदा खुदाबार बाबू नूर मोहम्मद जफरुल्ला खान जफरुल्ला आज़ाद अब्दुल चौधरी अब्दुल गनी मेंढरी तो कुछ होर लोगों ने रेडियो पर बुलाए उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया ब्रॉडकास्ट किया ਔਰ ਕਈ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਜਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਾਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੋਸ ਵਕਤ ਗੋਜਰੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਥਾ ਤੇ ਨਾ ਗੋਜਰੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਥੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਇਤ ਹੋਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬਾਂਡੀਆਂ ਚੇਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਕਾ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਈ ਤਾਰੀਖੀ ਮਦਮੂਨ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆਗੇ غلام حسین ਜਾਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨਾਲ رابطہ ਕੀਓ ਮਮਦ हुसैन ਮਰਾਸੀ غلام حسین ਮਰਾਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕ داستان ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਘਟ ਮਿਲਨੇ ਥਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮادری ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇ ਲਿਖੋ उन्होंने मिना कई इलाका में भेजो जाके फनकार तलाश करो जित कोई गायकार हो उसने रिकॉर्ड कर और उसने रेडियो स्टेशन लिया मैं तो गुलाम हुसैन जिया ने करना टीटवाल इंदवाड़ा अनंतनाग का बाला बालाई इलाका बांडीपुरा और कई इलाकों में कट्ठा सफ़र भी किया जाकर लोगों ने रिकॉर्ड की हो अ साहब ने लोकल आर्टिस्टा ना उनका ऑडिशन करा के बाकायदा गाने को मौको फराम कियो गुलाम हुसैन जिया साहब बड़ा श्री शरीफुल नफ्स आदमी था हर एक नाल नरमी नाल पेश आए था हम देखा के करामा बाप पूत पाई पाई के दरमियान किसी न किसी गल पर तू तू मैं हो जाए तकरार हो मगर मजाल है त्री साल लगभग एक ही कमरा में, एक ही स्टेशन में रह गए कदे रंजिश पैदा हुई हुए हमारे दरम्यान वे प्रोड्यूसर था मगर अक्सर जब मेरे नाल मेरा दूजा साथी अल्ताफ हुसैन बुखारी साहब या एक के सुराब साहब छुट्टी पर हुए था वे खुद शाम ना मेरे नाल कंपेयरिंग वास्ते छः बजे तक प्रोग्राम में बैठे था प्रोग्राम करें था उस वक्त प्रोग्राम लाइव करा हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए भी वे प्रोग्राम मेरे नाल करता रहा कुम, रेडियो में कंपेरिंग करता रहा बहरों कोई भी मिलने वास्ते आए तो उन्होंने हस्ते मथे मिले था आल अवाल पूछे था नेक सलाह दें था हर किसी की तरक्की है खुश हुए था जिस तरह कि जावेद साहब जावेद राय साहब ने दस्यो कि वे हर किसी की तरक्की पर खुश हुए था कई नौजवानों की उन्होंने सलाह अफजाई की है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਬਦੀਨ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ غلام ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 인ਮਾ ਰੇਡੀਓ ਮਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਫਸਲਾ ਉਹ ਸਾਫ ਉਫਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੋ ਵੀ ਗੁਜਰ ਕੇਸ ਜਾਂ ਐਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਸਟ ਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਮਣਾ ਮੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੋ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਓ ਹੈ ਆਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਥਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ ਲੀਡਰ ਥਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਰਾਬਤੋ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕਰੇ ਥਾ ਔਰ ਮਸਲਾਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲ ਕਰਾਵੇ ਥਾ ਆਮਣਾ ਗੁਜਰ ਹੁਸਲਾ ਮੇ ਪੇਜੇ ਥਾ ਕਿ ਤਾਲਬਿਲ ਮਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਸਲਾ ਵਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ गोजी प्रोग्राम बच्चों वास्ते प्रोग्राम फुल खेली औरतों वास्ते प्रोग्राम सुखिया टबर, टब्बर वास्ते प्रोग्राम जुमा जुमाले ध्याे अखलाकियात का प्रोग्राम मिठ्ठा बोल अनुमान के तहत रही बही वास्ते ये सारा प्रोग्राम जिन्हें यह जिया साहब की तखलीक करता है ग़ुलाम हुसैन जिया साहब ने अदबी जोक भी थो ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਕੀ ਮਤਬੂਆਤ ਸ਼ਰਾਜ਼ਾ ਮਾਰਾ ਅਦਬ ਮਾ ਉਨਗਾ ਛਾਇਆ ਉਤਾਰਿਆ ਬਾਦ ਮਾ ਜਬ ਮਸਰੂਫ ਰਿਆ ਦੇ ਕਾਟ ਲਿਖਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਿਓ ਵੇ ਅਕਸਰ ਗੋਜਰੀ ਕਲਚਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਦਾ ਚੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੱਡ ਸਰਬਰਾ ਬਣਿਆ कोई गरूर नहीं कोई तकबर नहीं कोई बड़ोपन नहीं हर एक आदमी बिला रोक टोक उनको को जाए थो अपनी गल बात रखे तो क्लास फोर्थ मुलाजम तक जिया साहब पर बहुत खुश था यही वजह है कि अपनी उम्र को अक्सर इस उन्होंने रेडियो कश्मीर श्रीनगर दूरदर्शन श्रीनगर मुजारियों ਸਿਰਫ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ 2-3 ਸਾਲ ਵੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਆ ਆਖਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਆ ਵਫਾਤੋਂ 1 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਿਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਆ ਸਿਰਫ ਨਾ ਗੋਜਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਤਾ ਬਲਕਿ ਪਾੜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਥਾ ਪਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦ ਸ਼ਿਨਗਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਸਾਂ ਤੱਕ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਹਾ ਪਾੜੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਮਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾੜੀ ਯੋ मुतारफ कराया सारा रेडियो तू इस तरह पंजाबी प्रोग्राम वास्ते भी काफ़ी मेहनत कई कई पंजाबी जुबान मशारा कराया मंदा हालात के दौरान फोर्थ कलास मुलाजम गए ताजियत पर गया त मिलीटेंटा हथ चढ़ गया दो त्रे महीने उनकी तावील बेच रहा मगर बेकसूर था जब उन्होंने छानबीन की उनकी सादगी ईमानदारी हलीमी साफ गोई देखी ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਏ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਛੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਥਾਰੋ ਪੱਲੋ ਕਰੇ ਜਿਆ ਸਾਹ ਵਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਥਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉ ਬੜਾ ਸਜਦਾ ਜਿਹਾ ਮناسبਾ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨ ਰੱਖੇ ਥਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਲਾਇਆ ਥਾ ਗਰਮੀ ਮਸ ਸੁਪਾਰੀ ਸੂਟ ਲਾਇਆ ਥਾ ਤੇ ਸ਼ੇਵ ਬਾਕਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਥਾ गर्मी जम्मू में गुजार गए वफात तू कबुल एक हफ्तों एक आदमी का पुरजोर इसरार पुर श्रीनगर आया किसी बड़ा अफसर को मिल गया उसको काम कराना तो इसी दौरान मिनम इस फोन पर अतला देता रहा ओ तू आज अत गयो उत गयो फिर वो रेडियो स्टेशन गया सब वाकुफ कारण मिलया और इस हफ्ता के दौरान कई बार उन्होंने मिना फ़ोन कियो कि मैं फलानी टाक रिकॉर्ड कराई है वफात के अगले दिन भी फोन कियो, अहवाल वाल पूछो मैं हजूर नगर अपना बनाया हुआ मकान माँ सुकूनत पजीर था आखिर एक रात खुफ्ता न सुनियो कि वफात हो गई हम पहुँचा स्टेशन का लोग भी कुछ आया हुआ था रात तजीज तकफीन का लुआजम पूरा किया बर्ज़ बरजला जामा मस्जिद का अकुबमा सोहनी जगह सुपुरद खाक हुआ वो पंज वक्ती अजान हुआ कब्रिस्तान की चफेरी मजदू मजबूत दीवार बंदी है ते सदा रह ना अल्लाह को उनका बारा मक्के के गल करा और भी काफी हजरात डीकवान होएगा कि ये ए,

हम शुक्र गुजार हूँ थारा और वाक थारी गाल है, की हैसियत रखें तो बहुत ही अच्छा लगो बड़ी बारीकी तमने जिया साफ़ का सफ़र के बारे दस्यो तो बहुत बहुत शुक्र गुजार हमारे साथ नयि महजूर साहिबा भी हैं ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड में उनका एक मुनफरद नाम है उन्होंने बहुत उमदा ख़दमत जी बीच में दरमियान में मेरी आवाज़ रुक गई थी मैं ये चाह रहा हूँ कि मख्तसर वक्त के लिए नईमा महजूर साहिबा अपनी बात रखें क्योंकि हम एक ब्रॉडकास्टर को याद कर रहे हैं ये खराज राजदत का की नशस्त है तो हम चाह रहे हैं कि वो भी अपनी बात रखें और इस तरह के प्रोग्राम्स उर्दू में गोजरी में होने चाहिए और कंट्रीब्यूशन जिन्होंने दी है उनको याद करना कितना ज़रूरी है इस हवाले से अभी बात करें जी मुख्तर वक्त के लिए जी शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सबको आ, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जिया साहब के लिए ये रूम क्रिएट किया है और ये बहुत अच्छा है इसलिए कि जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है किसी भी फील्ड में उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे माशरे की सबसे बड़ी बदकस्मती यही है कि हम जिंदा तो वैसे भी पूछते नहीं हैं लेकिन फिर हमें याद आ जाता है जब वो निकल जाते हैं कि इस शख्स की क्या कीमत थी और ये हमारे लिए किस कदर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है बहरहाल आज आप लोग ये स्पेस कर रहे हैं मैंने देखा ज़िया साहब का नाम लिखा था तो मैं आई इस स्पेस में इस रूम में आ, मैं ज़िया साहब को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ न सिर्फ रेडियो में बल्कि हम रेडियो कॉलोनी में बिल्कुल करीब रहते थे और आ, कुछ वक्त पड़ोस में भी गुजारा उनके साथ उनकी ब्रॉडकास्टिंग के बारे में तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई है मैं उन्हें एज अ गोजरी प्रोड्यूसर जानती थी और उनका जो गोजरी जबान के फरोग और इसकी तरवीज तरक्की के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और उसको सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा इसलिए कि ए, मुश्किल होता है उस वक्त जब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं आप लिमिटेशंस भी होती हैं और रिसोर्स भी इतने नहीं हैं और फिर लोग भी वो सामने नहीं आते और एक वो जो हम लोगों में एक शाइनेस थी तो लेकिन उन्होंने दूर दूर से फिर गुजर बरदरी के लोगों को लाना चाहे वो शायरी की महफ़िल होती थी चाहे वो अफसाना वहाँ पे सुनाया जाता था या फिर न्यूज़ वगैरह जो डेली न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स होता था तो जिया साहब ने इस काम को बहुत बखूबी निभाया और दाद देनी चाहिए कि गोजरी प्रोग्राम को गोजरी जबान को गोजरी लिटरेचर को काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है जिसको मेरे ख़्याल में कोई फरामोश नहीं कर सकता बहसत ज़िया साहब बहुत ही डाउन टू अर्थ शख्स थे आ, हमेशा हम देखते थे कि रेडियो में जैसे भी जो भी हालात थे जिन हालात में काम करना था लेकिन घर में वो फिर एक आम शहरी की तरह आम शख्स की तरह और रेडियो कॉलोनी में जब हम रहते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान जब ज़िया साहब आए तो उसमें एक एडिशन ये हुआ कि ज़िया साहब ने जैसे लगा कि पूरा जो है अपने जो दूर दराज का इलाका जहाँ पे वो पहले रहते थे उसको जैसे शिफ्ट किया है रेडियो कॉलोनी में क्योंकि रेडियो कॉलोनी राजबाग में है बड़ा पॉश एरिया है तो हमने देखा कि सबसे पहले ज़िया साहब ने एक बागीचा बनाया इतना ख़ूबसूरत अपने फ्लैट के पीछे बहुत बड़ी ज़मीन और उस पर जो क्यारियाँ बनाई सब्जियाँ लगाई और उसके बाद सारे लोग जो रेडियो कॉलोनी में हम भी रहते थे तो हमें भी लगा कि ये अजी जिया साहब तो दूसरे ही हैं तो जो हम इनको रेडियो में देखते हैं फिर उन्होंने वहाँ पे सब लोगों को एक तरह से इंस्पिरेशन मिल गया कि हम भी क्यों ना यहाँ पे छोटी छोटी जो है किचन गार्डन वगैरह उसको बनाएं तो ये तो पहला एक वो हुआ वहाँ पे लोगों ने जब देखा जिया साहब ये करे दूसरी बात ज़िया साहब ने क्या की कि रेडियो कॉलोनी में गाय उन लाई गाय के साथ साथ जो मुर्गे वग़ैरह थे बतख वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे और कुछ परिंदे भी थे थे तो एक अजीब सा वो माहौल बना वहाँ पे जिया साहब की वजह से और सभी बिल्कुल राजबाग में ये तो तस्वुर भी नहीं कोई करता तो लेकिन हम देखते थे फिर वहाँ हमारे बच्चे जो थे छोटे छोटे तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल के बच्चे तो वो इतने अट्रैक्ट होते थे वो हमेशा ज़िया साहब के फ्लैट के आगे पीछे ही गिर उस घूमा करते थे बल्कि हमें रोज़ बच्चों को वहाँ पे जा लाना पड़ता था और ज़िया साहब की बेटियाँ थी हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेला करती थी लड़ाइयाँ झगड़े शरारतें और फिर आपस में मिलना वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके साथ वो टाइम अच्छा गुजरा और बल्कि एक बार हमने कहा भी था जिया साहब को कि अब आपने गाय रखी है तो भाई हमें भी इसका दूध मिलना चाहिए लेकिन वो इतना ज़्यादा दूध नहीं था तो लेकिन फिर भी किस कुछ वक्त के लिए हमने वहाँ से दूध लिया और बिल्कुल प्योर दूध और बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया जैसे मतलब हम कहते हैं कि हम शहरों में रहते हैं मकान ऐसे जंगल टाइप के कंक्रीट वग़ैरह लेकिन उसमें जब उन्होंने वो एक क्लाइमेट के उस पर्सपेक्टिव से जब उन्होंने आसपास वो माहौल बनाया तो फिर सारे रेडियो कॉलोनी में अक्सर बेशतर जो हम रह, रहते थे उन्होंने भी वहाँ पे फिर छोटे छोटे गार्डन जिनमें सब्ज़ियाँ होती थी कुछ लोगों ने फिर मुर्गियाँ लाई कुछ इस तरह से फिर काम चला था बहुत अच्छा बहुत ही खूबसूरत था वो एक एक्सपेरिमेंट जो ज़िया साहब ने शुरू किया और फिर लोगों ने अपनाया और इसके अलावा ज़िया साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे हमेशा आई मीन जब वो फिर स्टेशन डायरेक्टर भी बने थे मैं वहाँ पे नहीं थी मैं उन दिन लंदन में थी बीबीसी में मैं जब वापस भी आती आती थी और वहाँ रेडियो जाती थी जिया साहब से कई बार मेरी वो सारा काम छोड़ छाड़ के सब लोगों को बुला के फिर वो एक तरह से पार्टी का अहतमाम करते और सब लोगों को बुला के फिर कहते थे बीबीसी के बारे में वो सारी चीज़ें तो अजीब सा एक माहौल क्रिएट करते हैं। कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कई सालों से बाहर हूँ लेकिन यहाँ मैं नहीं हूँ और इस तरह से उनका जो था एक मेहमान नवाजी का जो एक उनके मिजाज में था बहुत ही खूबसूरत हालांकि उनके और मेरे शोहर के बीच में काफ़ी गहरे ताल्लुक थे बहुत ही ज़्यादा और बहुत वो मेरे हस्बैंड पे काफ़ी एतबार भी करते थे और बहुत सारी चीज़ें जो दफ्तरी होती थी तो उनसे मशवरे वगैरह किया करते थे तो मैं बा, बाहर थी मैं वहाँ नहीं थी लेकिन फिर भी मेरे आ, मैंने जो भी उनके साथ टाइम गुजारा जितना थोड़ा सा टाइम भी था वो बहुत ही अच्छा था बहुत ही ख़ूबसूरत था और बार बार ये एहसास हो रहा था कि इस कम्युनिटी जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी हमारी इनके जो जितने सारे मसाइल हैं और बहुत शदीद मसाइल जो मैंने खुद देखे तो कम से कम कोई तो है जो इनको हाईलाइट कर रहा है और जो इनको गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा है जिसमें सलामुद्दीन बाजाज साहब भी थे और उनका भी अहम रोल है और वो भी बहुत काम करते थे गुजर कम्युनिटी के लिए तोाहिर है कि थोड़ा बहुत तो आवाज़ पहुँचती थी और बहुत सारे काम होते भी थे और ये सारा मतलब उनका कंट्रीब्यूशन था लेकिन वो डाउन शख्स थे अपने बात नहीं करते थे और ये नहीं बताते थे मैंने क्या किया बल्कि कम्युनिटी को करना चाहिए था कम से कम ये अप्रिशिएट और इसको याद रखना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया फिर उन दिनों मैं कश्मीर में ही थी जब उनका इंतकाल हुआ और मैं गई वहाँ पे और उनकी मिसेस से मिली उनके बच्चों से मिली क्योंकि बच्चियाँ बड़ी हो गई थी शादियाँ भी हुई हैं माशाल्लाह और वो अब सही तौर से आई I मीन mean, सेटल भी हुई हैं तो लेकिन वो अचानक उनका इंतकाल भी था वो ख़बर भी मिली तो किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं था क्योंकि उससे दो तीन रोज़ पहले ही वो हमारे घर आए थे राजबाग और मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई थी और वहाँ पे हम बल्कि ज़िया साहब हमारे घर में तो जब भी कुछ इस तरह की बात होती थी वो हमेशा हमारे घर में जो एक डोमेस्टिक हेल्प था तो वो हमेशा ज़िया साहब कहते थे ये जो आपका यहाँ पे डोमेस्टिक ये बंदा है ये आपके बेटे को ख़राब करेगा अजीब सा वो था उनका तो हमेशा उसको याद करते थे कि हमेशा ज़िया साहब कहते हैं ये जो बंदा है सही नहीं है बहुत उनकी नज़र थी जो आई I मीन mean, पता था उनको कि किस तरह कौन बंदा है और किससे किस तरह से बात की जाए और बहुत ही नफ्स जहीन और बिल्कुल ह्यूमिलिटी इतनी ज़्यादा तो लेकिन है आई मीन जो उनको मिलना चाहिए था एक तरह से हम लोगों की तरफ़ से ख़ास तौर से जो ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड है उनकी तरह से मुझे नहीं लगा कि हम लोग इतना करते हैं और ना हमारी कम्युनिटी में अभी इस तरह की तहजीब पैदा हुई है कि हम अपने लोगों को अप्रिशिएट करें एकनोलेज करें और उनको इस तरह से याद करें ताकि दुनिया को पता चले कि भाई ये लोग हमारे रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोगों में वो है वो कंजूसी तरह की और या तो उसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों में जहनी बालिदगी इतनी नहीं है कि हम दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करें एकनोलेज करें रिस्पेक्ट करें और याद करें बार बार और याद करवाएं लोगों से तो बहरहाल यहाँ पे तारिक साहब और नसीम और दूसरे जो हैं भाई आप लोगों ने यहाँ पे किया है मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने ज़िया साहब के लिए एक रूम क्रिएट किया और इसमें सब लोगों ने अपने ख्याल का इज़हार किया उनको खराज अक़ीदत पेश किए और ऐसा कंटिन्यू करें बार बार करें बहुत अच्छा है अपने लोगों को याद करना शुक्रिया बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नईमा महजूर साहिबा आपका लफ्ज लफ्ज जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम शुक्रगुजार हैं और आपने बहुत मशवरों से भी नवाजा और यादें शेयर की जिया साहब के हवाले से वाकई जो आपने बात की कि हमें जो है कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए जो आज हम नशिस्तें करते हैं मरहुमैन से मतलब तो नशिस्तें होनी चाहिए लेकिन जिंदगी में भी इंसानों की कदर हमने करने का तौर तो तरीका सीखना चाहिए और अखराज तहसीन की नशिस्तें भी होनी चाहिए आ, हम आपके शुक्रगुजार हैं बहुत ही आपने बातें की और हम बड़ी गौर से सुन रहे थे आ, बिल्कुल हम आपके बिल्कुल शुक्रगुजार हैं अब हम जो है ज़िया साहिबा जिया साहब की बेटी हैं पहले मैं गलती से उनको नहीं पहचान पाया था अब मैं अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए उनसे गुजारिश करता हूँ खुद खज़िस्ता जिया साहिबा जिया साहब की बेटी हैं दुख्तर हैं तो उनको हम चाहते हैं कि हम सुने वो आज के प्रोग्राम को बड़ी गौर से सुन रही हैं उनकी बहन भी सुन रही हैं उनकी अम्मी जी भी सुन रही हैं हमें बड़ा अच्छा लगा आपकी फैमिली की तरफ से हमने ये प्रोग्राम बहुत जल्दी में उजरत में किया लेकिन हमारे पास रा नंबर भी नहीं था लेकिन बहरहाल आप शामिल हुए आपका ये खलूस है आपके वालद मोहतरम बहुत अजीम शख्सियत थे हमें फ़ख्र है हम गोजरी में प्रोग्राम करते हैं तो आप भी गोजरी से जुड़े रहें कश्मीरीत से जुड़े रहें तो हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप गोजरी में भी बात कर सकती हैं आप उर्दू में भी बात कर सकती हैं जी जी खुजस्ता जिया साहेबा जी माइक अपना अनम्यूट करें आ, आ, राइट साइड पे एक माइक का निशान बना होगा जी ये क्लब हाउस है यहाँ पर तीन बार टेक्निकल प्रॉब्लम होती है आप लीव करके दोबारा से भी ज्वाइन कर सकती हैं हम आपको जी जी बिल्कुल यकीन दोबारा से जो है गजिश्ता साहिबा जुड़ेंगी और आज के प्रोग्राम में हमें बहुत उम्दा बातें सुनने को मिली बहुत उम्दा ब्रॉडकास्टर्स सा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाज जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स थे किसी ऐसी जो सफर है, में हैं उस वजह से नहीं जुड़ सके लेकिन अब मैं खजिस्ता साहिबा से गुजारिश करता हूँ उनको प्रोग्राम कैसा लग रहा है और अपने वाल साहब के साथ यादें जो हैं वो शेयर करें जी असला जी जी हम जी, जी बहुत अच्छा लगा कि मेरे वाल साहब के बारे में ये प्रोग्राम रखा गया वो एक अलग ही शख्सियत के मालिक थे बड़े ही नरम मिजाज फादर और हर एक के साथ मीठा बोलने वाले शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनकी पोजीशन पे हो मैं हमीद अंकल का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ नहिमा आंटी का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ रफ़ाक़त भैया का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने उनके बारे में वो सब बोला जो वो मुझसे ज्यादा जानते थे नहीं मां आंटी उनको एज ऑफिशियल मतलब, उनको बहुत अच्छी तरह जानती थी घरेलू भी उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा था पापा का हमेशा ये रहा कि वो बड़े ही नरम दिल और मिलनसार इंसान थे और हर इंसान मतलब हर एक आदमी से बहुत अच्छे से मिलते थे तो शायरी भी करते रहते थे वो और हमारे साथ एज अ फादर उन्होंने बहुत अच्छे से हो गया एज अ फादर एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे थे वो कह नहीं सकते <laughs> क्या मैं बोलू उनके बारे में उनके बारे में बोलते बोलते लफ्ज़ काम पड़ रहे हैं उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान श्रीनगर में काफी टाइम निकाल किया है स्पेंड किया लोगों से मिलना हर एक से हर गरीब से गरीब से गरीब से, से लेकर अमीर आदमी तक, मतलब हर इंसान से मिलते थे वो, ये नहीं नहीं, कि एक को को मिले, दूसरे को नहीं। बड़े अच्छे इंसान थे वो उन्होंने हमेशा बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे वो और बड़ों के साथ बड़ों की तरह और कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो एक दोस्त कम दोस्त नहीं है हमेशा दोस्तों की तरह उन्हें हमें वो किया। उनका रेडियो के तरफ रुझान ज्यादा था अखबारे पढ़ना उन्होंने अखबारें पढ़ते थे वो ज्यादा अदबी किताबात वो पढ़ते थे अदबी किताबें वो बहुत पढ़ते थे तो बड़ा उनका रहा कभी कहे गोजरी प्रोग्राम के लिए तो बहुत उन्होंने किया एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने बहुत लोगों को गोजरी के साथ वो किया काफी लोगों का आ, उन्होंने काफी लोगों को उन्होंने गोजरी प्रोग्राम के साथ जोड़ा दूर दराज इलाकों में भी जाते थे वो बहुत प्रोग्राम वगैरह किया करते थे दूर दराज इलाकों में गाँव में जाते थे जहां जहाँ गुजर कम्युनिटी है वहां वहाँ जाते थे कोशिश उनकी रहती थी कि गोजरी जुबान को वो ज्यादा से ज्यादा दे, इम्पोर्टेंस दें उनकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी 2000, 2009 तक वो रेडियो के साथ जुड़े रहे 2009 एंडिंग में उनका ये रिटायरमेंट हो गई थी 2009 में रिटायर हो चंडीगढ़ से रिटायर होके आए थे तो उसके बाद वो अपने आबाई वतन आ गए यहाँ पे रहे यहाँ पे भी रहकर भी वो फिर भी कभी कभी रो जाते थे अपना पुराना रेडियो में जाया करते थे काफी प्रोग्राम्स दिया करते थे कभी कभी रेडियो में उन्होंने अपनी लाइफ के एंड तक रेडियो को नहीं छोड़ा अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि वो शहाना तबियत के मालक थे बड़े ही नरम मिजाज के। मैं अपनी बात यहां पे करती हूँ। जी जी बहुत शुक्रिया गुजस्ता आपने हमारे साथ गुलाम हुसैन जया मरहूम साहब की बातें शेयर की अपने घर की बातें शेयर की और बिल्कुल आपने दरुस्त फरमाया कि ताया अबू गुलाम हुसैन जय क्योंकि मैं भी आप जानती हैं कि उनको जानती थी बहुत करीब से मेरे ताया अबू हैं आप मेरी बहन हैं तो मुझे वो सारी शरारतें भी याद हैं जो हम लोग किया करते थे और ताया अबू के आसपास वो शरारतें हमारी चलती थी और बचपन के वो दिन मुझे भी याद आ गए जो हम लोगों ने इकट्ठा गुजारे कई छुट्टियां हमने इकट्ठा गुजारी और वहाँ पे मुझे वो चीज़ें वो शरारतें भी याद हैं जब आप मुझे कश्मीरी के कुछ अल्फाज सिखाती थी और आप कहती थी कि अभी अबू आएंगे तो आपने अबू को ऐसे वेलकम करना है और जब मैं वो तया अबू से वो अल्फाज वो कश्मीरी के सेंटेंसेस कहती थी तो वो मुझसे पूछते थे यह आपको किसने सिखाया और मैं आपका नाम लेती तो वो कहते ओहो हो जो आप कह रही हो इसका मतलब वो नहीं है इसका तो कुछ और ही मतलब है तो वो शरारती से मुझे याद आ गई बहुत शुक्रिया और इसमें कोई शक नहीं कि तायाबू बहुत शफीक थे उनकी गुफ्तु करने का अंदाज़ उनकी ज़ुबान उनका बयान उसकी कोई मिसाल नहीं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शरीक रही जी तारिक भाई जी तारिक साहब आप यहाँ मौजूद हैं बिल्कुल थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी अब जो है दूर हो गई है मैं बताना चाहता हूँ कि अब मैं दोबारा गोजरी की तरफ ही आना चाहता हूँ क्योंकि मल्टीलिंगुअल महफिल रही बड़ा अच्छा लगा हमें इस ज़बान में उर्दू और गोजरी जो है तहजीब की जुबानें हैं तह, तहजीब याफ्ता ज़बानें हैं तो अब मैं दोबारा अपनी मादरी जुबान गोजरी की तरफ आ रहा हूँ ગુલામ हुसैन ઝિયા સાબ ਨਾਲ મારી એક દફા મુલાકાત થઈ સિર્ફ ઓર સિર્ફ એક બાર રેડિયો સ્ટેશન જમ્મુ માં ગુલામ હસન સાબ જેડા હે હસન પ્રવાહ સાબ કે સામે બેઠા વી થા મે પહેલી બાર જેડો હે રેડિયો ટાક લેગા ઉનાગા હસન પ્રવાહ સાબ કા દફતર માં ગયો તે ઉનાને વા મારી ટાક દેખી બડા ખુશ હોયા કે किसी दूर दराज इलाका कंडी इलाका तू लड़को उठ गया आयो और उसने टाक लेकर पेश करनी है और बड़ा खुश हो या बड़ा खुश मजाज था उन्होंने मेरे नंबर भी लियो मैं भी उन्होंने नंबर लियो तो बड़ी मुख्तसर जी एक साल के बाद उन्हें वफात हो गई इतनो कई ऐसी शख्सियात मारी जिंदगी में आवे बंद सोचे कि आज मैं जिंदा होती आ, उनके जो उनको मिशन थो, उनके नाल मिल के चलाता आ, नो हुआ है, है, कि, कि, है। बहरहाल उन्होंने अपना रोल निभा तो तहरीक हासिल करा कि उन्होंने बड़ो काम कियो, गोजरी अदब को जो मवाद जमा करा वास्ते आज रेडियो की लाइब्रेरी बहुत खजानो जमा हो उसमें गुलाम हुसैन जिया साहब को बड़ो रोल है हम पूरी कौम उन्होंने ट्रिब्यूट पेश करे खराज अकीदत पेश करा तो ज्यादा गल नहीं मैं करूँगा बस हमारा स्पीकर पैनल में चंद और शख्सियात हैं आ, मैं पूछना चाहूँ जी निगत बॉजी आज जी भी अपनी गलबात ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकसटिंग ताल्लुक हैं और शोभा तालीम संघ भी मुंसलिक हैं निगत बाजी साहिबा भी अपनी गलबात रखें शायद जी जी बिल्कुल जी 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 अस्सलाम सबसे पहले तारिक भाई आ, मैं दो चार बातें उर्दू में जरूर कहूँगी कि आपकी आला सोच को सलाम आपके हौसलों को सलाम आपकी काविशों को सलाम और आपकी जुबान और अदब और समाज की कौम की अजीम शख्सियात के तय हमदर्दियों को सलाम और आपने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे लबकुशाई का मौका दिया है मैं इंतहाई ममनून हूँ आपकी और मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस प्रोग्राम में जहाँ एक तरफ और ब्रॉडकास्टर्स शख्सियात बोलें वहीं नाइमा अहमद महजूर साहिबा मुझे याद है जब ये बीबीसी से ख़बरनामा पेश किया करती थी इस आवाज़ पे ऐसा था कि हम रुक जाया करते थे और बीबीसी सुनने का मकसद सिर्फ़ यही हुआ करता था कि यहाँ नाइमा अहमद महजूर बोलेंगी जिस रोज़ प्रोग्राम में ये शामिल नहीं होती थी हमारे लिए वो प्रोग्राम मैं तो नहीं कहूँ फीका होता था मगर कहीं ना कहीं हमें उस दिन अच्छा नहीं लगता था जिस दिन ये गैर रहती थी आ, बहुत बहुत मुबारकबाद उन्हें भी पेश करती हूँ और अब गोजरी ये जानी पाती हूँ कि मेरा इन इंतई खुशी की गल है इस अजीम प्रोग्राम किए और आज को ये प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत कि जिनने कौम के अंदरों चक भनी उनने अगे आगे आने का मौका दिता और खासकर ब्रॉडकास्टिंग का हवाला माइक्रोफोन तक लोग आने लोगों का मसायल आने शायर ना माइक्रोफोन तक आने आम आदमी ना माइक्रोफोन तक आने और आम आदमी का मसला बांधे आने और बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिन्ना रेडियो का पर काम कर बकौल राही साहब के बरादरी का नौजवान पर पहुंचे था कहीं नमाया कामयाबी हासिल करें था उस पर भी उनकी हौसला अफजाई जरूर कर हालांकि या इनका शोभा की जिम्मेदारी नहीं थी पर इतना उनकी शख्सियत कि आला सोच चल के आला सोच बांधे इनकी शख्सियत की हमदर्दाना सोच बांधे आप इनको आला किरदार बांधे आप जिया साहब से आला तलीम याफ्ता था उच्ची ऊंची मजलसा मुबैस वाली ऊंची शख्सियत ने हमेशा कौम ज़बान ना ऊंचाइया तोड़ी ले जाने का ख्वाब दिखा सोना सोना खाका बनाया तो उन खाका रंग भी आपे भरिया रेडियाई लहर के जरिए भी तो आवाम तोड़ी जा जागे जा भी कोशिश करता रहा हूं देखूंगी कि खुशनसीब तमाम शख्सियात जिनने उनके नाल काम की और खुशनसीब हाँ अब हम भी कि हमने आज उन शख्सियात न सुनियो उन शख्सियात की जुबानी ज्यादा कारनामा सुनिया जरा हमारा वास्तव भी लोगों के ता हयात इंस्पीरेशन को एक जरियो ज़रूर रहेंगे वो तमाम उन शख्सियातना मुबारकबाद भी पेश करूँ जरा आज का इस प्रोग्राम में जिया साहब की अज़ीम शख्सियत के बारे अपना ख़्याल को इजहार अपनी मोहब्बत को अपना जज्बात को इजहार जिनने की हो और उनमें जिया साहब के नाल वाबस्ता याद उनकी खिदमत जिया साहब का जज्बात उनका एहसास हमारा साझा किया और कसाना साहब फरमा रहा था कि उन्होंने रेडियो तो इस इसरा के के बीच, वो किड़ा तबको थो जिस वास्ते प्रोग्राम ने शुरू किया बच्चा वास्तव किसान किसाना मज़दूर वास्ते समाज का पसमांदा तबका वास्ते शेर के नाला है। साथ कलम वाला हर शख्स ना और ये काम करना आसान नहीं होता ये इतना सुखला नहीं होता और जिया साहब का हौसला ना जरूर आज भी दुनिया याद करे और मोहतरमा नाइमा अहमद फरमा रही थी कि उन्होंने रेडियो कॉलोनी के बाहर एक बागीचो बनाया। बढ़ाया तो यू एहसास है कि ना सिर्फ कॉलोनी के बाहर एक बगीचो बनायो वे जित जित भी गया उनने लोगों का दिलों के अंदर जहना के अंदर मुझ खूबसूरत बगीचा बनाया लोग आज भी उन्हें याद करें वे जम्मू कश्मीर के अंदर जित, जित जित भी गया जिसना भी एक बार मिलिया बस शख्सियत उन जरूर उसी तरीके याद करे कि उनने जैसा वैसी शख्सियत जिनने उन सुखड़ की उनका हौसला बुलंद किया है उनकी साहिबजादी ने भी कुछ याद मारना शेयर की वो उनकी भी शुक्र गुजार हाँ ममनून है। और आखिर में उर्दू का एक शेयर गालिब को कि मकदूर हो खाक से सॉरी मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि पूछू तूने वो हाय ग्राम आया क्या कि बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब मिना मौको दें जी बहुत बहुत शुक्रिया अंडिगढ़ चौधरी साहिबा तमने बड़ा खूबसूरत अल्फाज को चुनाव गए आज की महफिल माँ हम गलबात की जिया साहब का हवाला न बहुत बहुत शुक्रिया सामीन सफ़े सामीन की तरफ अगर हम देखा तो पिछला दो घंटा तो बहुत ही मुजिश शख्सियात जुड़ी हैं जिनमें कनीज फातिमा इफ़त साहिबा आ, खाकान सज़ाद साहब अब्दुल क्यों बेताब साहब अब्दुल मजीद साहब नसीम गुलाबगढ़ी साहब चौधरी आबिदा साहिबा अलताफ निज़ामी साहब राणा रमज़ान साहब एजाज साहब मोहम्मद यूनस साहब कुलसूम साहिबा शमाइला जबीन साहिबा चौधरी ताज ताज साहब महराज नसीम साहब नूर नूर नूरुल हसैन हसन पसवाल साहब बहुत ही मुजिज जुडिशरी का जज है जावेद हकला साहब इश्तेकमदिया साहिबा आशिक चौधरी साहब चौधरी कासिम कसाना साहब बशारत साहब इसके अलावा बहुत सारा सामीण ज काफी तवालत की वजह नाल थोड़ा जा जाव भी कर गया लेकिन जितना भी शामी इस इस वे जुड़िया रहा हम शुक्रियो करा लेकिन बाकायदा शुक्रिया वास्ते हम दावत दे रहे मोहतरमा नसीम साहिबा नसीम बाजी आज का प्रोग्राम को अख्ताम जो अपनी आवाज में तमाम शुरका को स्पीकर को शुक्रिया अदा कर गए करो जी जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब आज का प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम था और इंशाल्लाह एक यादगार भी खास तौर पर मेरे वास्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम तो और बहुत खूबसूरती नाल बहुत अच्छा तरीके न चलिए भी और मेरा उम्मीद है कि जितना भी लोग इत मौजूद था बेमहजूज़ होएगा और उसके बाद तारीख इबरार ऑफिशियल क्लब ने आज का प्रोग्राम शामिल होने वाला तमाम मेहमान जिनमें शामिल था जावेद राही साहब रफाकत चौधरी साहब अब्दुल हमीद कसाना साहब खुजस्त जिया साहिबा भी मारे नाल थी नेमा महजूर साहिबा और निगर चौधरी बाजी साहिबा भी मारे नाल थी और सब ने जितना भी मेहमान मारे नाल जुड़िया बहुत सोनी गल रखी और मारा इलम भी इजाफो कियो बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करांगा कि ये मेहमान हस्ती जी मारे नाल थी अगे भी मारे नाल जुड़ी रहेंगी और इसरा गलमी अदबी भी जोग्राम नकद उन उन्मा मारे नाल शामिल रहेंगे और उसके नाल नाल उन सामीन की बहुत बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूँ और तमने मारे नाल शामिल हो गए शामिल होनो और फिर शामिल रहनो भी है बड़ी गल है और यही मा हिम्मत और हौसला बढ़ावा भी है तो बहुत शुक्रिया सामीन कि त मारे न जुड़िया रहा और हमारा हिम्मत और हौसला गुसामान बनया रहा अगे भी उम्मीद है कि तम इस टाइम हमारे नाल शामिल रहेगा और हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम अच्छा ते अच्छा प्रोग्राम थारे वास्ते लियावांगा और अच्छे ते अच्छी मेहमान हस्ती हमारे नाल जुड़ेंगी और इस तरह प्रोग्राम चलेगा और हमारा इलम इजाफो करेगा इंशाल्लाह एक बार फिर मैं अपनी आई तमाम मेहमान हस्तियों को शुक्रिया अदा करूंगी हमारा टीम मेंबर्स को शुक्रिया अदा करूंगी तारिक साहब को खास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगी जरा इसका प्रोग्रामा नाम नकद करें और किसी ना किसी तरीका नाल भी नाल रख गए ते ये सिलसिला ना कायम रखे है इन्होंने तकरीबन डेढ़ साल हो गए है और ये जो सिलसिला है यो कदम टुटो नहीं और अच्छा तो अच्छो प्रोग्राम ये ले गया है और किसी भी सनफ नाम मेरा ख्याल मैं इन्होंने नहीं छोड़ो हर सिमत माइए जाए और इनका ख्यालात हर सिमत में जाए और, और फिर उसना अमल में लिया बड़ी गल बहुत शुक्रिया तारिक साहब तो सामी प्रोग्राम को इखताम को वक्त आ हम इस वादा नाल के अगले हफ्ते फिर थारे सामने आवांगा एक नमी हस्ती या किसी नमा प्रोग्राम नाल और नमी मेहमान शख्सियत उस वक्त तक हम नो इजाजत अपना बहुत ख्याल रखो बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज